के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए आज की हेडलाइंस पर पहले डालते हैं एक नजर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दी दलीलें। 13 अक्टूबर को हिंदू पक्ष रखेगा अपना पक्ष। करवा चौथ पर पुनः अपनी भव्यता के साथ संपन्न होगा प्रख्यात चेतगंज नकटैया मेला। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होगी झांकी। 80 घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने से बटुक की मौत। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हुई भारी वर्षा के चलते गंगा के जलस्तर में पुनः वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमा की पोषणीयता पर बुधवार को सुनवाई हुई। ज्ञानवापी प्रकरण में विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इसकी पोषणीयता पर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ट्रैक फास्ट कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट व विशेष पूजा अधिनियम 1991 का हवाला दिया। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 अक्टूबर तय की है। मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से वकील अखलाक अहमद, मुमताज अहमद व रईस अहमद ने अपनी बात कही। उन्होंने पहले मंदिर पक्ष के दावे को अदालत के सामने रखा। इसमें दिए गए मुख्य तीन बिंदु ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, उसमें मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन की मांग पर अपनी आपत्ति की। अदालत के सामने उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में मस्जिद है, इसमें वर्ष 1669 से नमाज अदा की जा रही है। जिस स्थान पर नमाज हो रही हो वहाँ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विशेष पूजा अधिनियम 1991 से संबंधित है। उन्होंने इमीडिएट पूजा पाठ की मांग की थी। उस इमीडिएट पूजा पाठ की मांग को जो ऑर्डर 39 में एक्सपर्ट वो होना था, डिस्पोज होना था एप्लीकेशन, उसको ना करके ये 711 को ले आए। तो यही इनका डिले टैक्टिक्स है, जबकि एक जगह से वैसे ही इनका 711 खारिज हो चुका, उसके बावजूद भी तो बस यही ये करते हैं, डिले टैक्टिक्स अपनाते हैं और अपना के जो है इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि पूरा परिसर हमको दे दिया जाए। अब वो दो व्यक्ति हैं और मुकदमा लेकर आए हैं और पूरा परिसर मांग रहे हैं हमसे कि हमको दे दिया जाए। किस अथॉरिटी से आए हैं, क्या आए हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाएंगी कोर्ट में ना। तो इन्हीं सब बातों पर उस पूरे प्लान को देखा गया और उस पर बताया गया कि ऐसा क्या इनके पास है और किस आधार पर ये कह रहे हैं। ऐसा कोई प्लान कुछ तो इनके पास है नहीं, उस पर ध्यान दिलाया गया कोर्ट को। अगली तारीख क्या है? अगली तारीख इसमें कल की लगी। कल आप लोग के तरफ से क्या प्रक्रिया रहेगी? कल कोई लाभ पॉइंट ऐसे हैं जो कुछ रूलिंग्स वगैरह हैं जो कल दिए जाएंगे कोर्ट को कि ये आधार है और ये कानून है और इस कानून के मुताबिक एक मुकदमा चल नहीं सकता है और इसी बिना पर जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग वगैरह है वो दी जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7-11 की सुनवाई शुरू हुई थी, कल से आर्गुमेंट शुरू हो गया था, कल और आज उन्होंने कंटिन्यू किया। अगर कल कंक्लूड कर देते हैं परसों उसका जवाबी बहस रख देंगे। राकेश सिंह की तरह इस केस की भी मेंटेनेबिलिटी बरकरार रहेगी, यह हमें भाषा है, और कोई भी आर्गुमेंट किसी भी तरह से इस केस को रिजेक्ट नहीं करा सकती, यह हमें सुनिश्चित कर चुके हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई है? देखिए, मेंटेनेबिलिटी को लेकर के तमाम प्लेसेज ऑफ वर्शिप, काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट, सिविल राइट, फंडामेंटल राइट और इसके साथ लिमिटेशन एक्ट, तमाम चीज़ें उठाई जा रही हैं। बुधवार को 80 घाट पर नहाते वक्त 18 वर्षीय छात्र राजकिशोर पांडे की गंगा में डूबने से मौत हो गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत 80 घाट पर बुधवार को नहाते वक्त राजकिशोर पांडे नामक 18 वर्षीय छात्र गंगा में डूब गया। छात्र मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला था और मुमुक्षु भवन संस्कृत विद्यालय में रहकर पढ़ाई करता था। छात्र अपने मित्र आयुष उपाध्याय खंडेरा के साथ 80 घाट पर नहाने के लिए पहुंचा था। राजकिशोर का पैर फिसल जाने के कारण वह गहरे पानी में डूब गया। उसके मित्र आयुष उपाध्याय ने फोन कर घटना की सूचना 80 चौकी को दिया। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटना से एनडीआरएफ की टीम को अवगत कराया। इस पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर युवक की खोजबीन करने लगी। कुछ देर के बाद युवक बरामद हो गया। पुलिस ने घटना की सूचना से परिजनों को अवगत करा दिया। समाचार संकलन तक परिजन घर से वाराणसी के लिए निकल चुके थे। पुलिस राजकिशोर पांडे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मैं इन्हीं के गांव का हूं। इनका नाम राजकिशोर पांडे है, इनके पिता का नाम ध्रुवदेव पांडे है। ये मुख्य भवन में पढ़ाई करते थे संस्कृत की, पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में। स्नान करने के लिए आए थे 80 घाट पर, तैरना चाह रहे थे और तैरते तैरते तैरना इनको पता नहीं था तो ये तैरना सीखते सीखते उसमें डूब गए और इनकी मृत्यु। इनके साथ कौन कौन थे?
इनके साथ इनके मित्र आए थे, आयुष उनका नाम है, स्नान करने के लिए बस यही दो बच्चे आए थे, 80 पर रहते थे ये लोग। आप लोग को सूचना कैसे मिली? हमको सूचना फ़ोन द्वारा मिली, गांव से ही इनके कुछ परिजन फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो हम आए तो फिर पता चला बॉडी को ढूंढा जा रहा था, ढूंढ के बॉडी निकाल के और 80 चौकी पर लाया गया, तो फिर मैं यहाँ पर पहुँचा। कितने भाई बहन हैं ये लोग? 3 बहन और ये अकेला भाई। लखा मेला में शुमार चेतगंज की नकटैया इस वर्ष भी भव्य रूप से गुरुवार को करवा चौथ के दिन आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन परंपरा अनुसार वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लखा मेला में शुमार चेतगंज नकटैया श्री चेतगंज रामलीला समिति वाराणसी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा चौथ के दिन आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं वरिष्ठ उपाध्याय महेंद्र गिरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चेतगंज रामलीला समिति के संस्थापक स्वर्गीय बाबा फतेह राम जी थे। क्षेत्रीय नागरिकों व वाराणसी के समस्त राम भक्तों के सहयोग और स्नेह से विगत 135 वर्षों से अबाध गति से श्री राम काज करते हुए श्री चेतगंज रामलीला समिति अपने 136वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। समिति क्षेत्र की जनता में प्रतिष्ठित व्यापारियों एवं सम्मानित नागरिकों का अभिनंदन करती है, जिनके सहयोग से श्री चेतगंज रामलीला समिति को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। चेतगंज नकटैया में समिति द्वारा वर्तमान परिवेश व समाज के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित झांकियां लाग स्वांग के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं। करवा चौथ के दिन समिति द्वारा आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नकटैया में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस नकटैया मेले का उद्घाटन वाराणसी के जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा रात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के पास किया जाता है। तत्पश्चात मेले में शामिल लाग विमान अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए गंतव्य तक पहुँचते हैं। यह जानकारी समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरीश सिंह भोला, राजू यादव, लीला मंत्री बांकेलाल उपाध्याय, अजय सिंह बॉबी, तनुज पांडे, प्रदीप कनौजिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। परंपरा के रूप में जैसी झांकियां आती थी वही आएंगी। उसमें दो विशेष लाल विमान है, उसको माननीय बाबा जी के दिमाग से उसको निकाला गया, एक देश एक कानून। इस मेले का उद्घाटन कौन करेगा? दूसरा आज विज्ञान है। इस मेले का उद्घाटन कौन कर रहा है? ये परंपरा कब से चली आ रही है? परंपरा वो 1888 से चल रही है। उद्घाटन किसके द्वारा? उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, इस समय डीएम है। लाख 100 के लगभग हर बार पहुंच जाता है, कोशिश है, अभी बुकिंग चल रही है। लाख अच्छा से अच्छा लाना है, संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, अच्छी चीज जनता को देखने को मिले। खासियत क्या रहेगी इस लाख की? लाख में आकर्षक केंद्र क्या रहेगा? लाख देखिए, जनहित में जो लाख रहते हैं वही हम लोग लाते हैं। देश के लिए, जनहित में, जनता के लिए भगवान का लाख अधिकतर रहेगा, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई मेला है ये। और किसी तरह के अन्य लाख विमान इसमें प्रवेश नहीं पाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हुई भारी वर्षा के चलते नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हुई भारी वर्षा के चलते नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। यमुना व अन्य सहायक नदियों के माध्यम से वर्षा का पानी पहुंचने से गंगा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल प्रयागराज से गाजीपुर तक गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव है। बलिया में 24 घंटे पहले तक बढ़ रहा पानी फिलहाल बुधवार की सुबह ठहराव पर है। वाराणसी में 24 घंटे में 41 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा घाट की सीढ़ियों पर पानी चढ़ गया है, तो उस पार रेती तक पानी के फैलाव से रेत गीला हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा प्रखंड कार्यालय से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार से ही प्रयागराज व फाफामऊ तथा बलिया में गंगा के जलस्तर में वृद्धि होना आरम्भ हो गया था। मंगलवार की सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में 40 मिलीमीटर प्रति घंटा तो फाफामऊ में 20 मिलीमीटर प्रति घंटा व बलिया व मिर्जापुर में 10 मिलीमीटर प्रति घंटा के वेग से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई थी। मंगलवार की सुबह तक वाराणसी व गाजीपुर में जलस्तर स्थिर बना हुआ था, लेकिन इसके बाद से पानी का बहाव काफ़ी तेजी से इधर पहुँचा और बुधवार की सुबह 8 बजे तक वाराणसी में राजघाट पर 41 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल
बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड एवं आईएसओ तथा क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष ओपीडी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गाकुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम में मंगलवार को संभव जनसुनवाई में सीवर की समस्या की शिकायतें अधिक आई। नगर निगम में मंगलवार को सुबह 10 बजे संभव के तहत जनसुनवाई शुरू हुई। सबसे अधिक सीवर और पेयजल से संबंधित शिकायतें आईं। गली और सड़क निर्माण से संबंधित 3 व अतिक्रमण से संबंधित 3 आवेदन आए। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया। इसमें मीरानगर कॉलोनी के लोग सीवर की समस्या लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सर, पिछले कई दिनों से कॉलोनी में सीवर का पानी बह रहा है, इससे रहना दुश्वार हो गया है। समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो बीमारी फैलने की आशंका है। उन्होंने बताया कि सीवर का ढक्कन नहीं है। नगर आयुक्त ने तत्काल समस्या के समाधान का निर्देश दिया। पानी संबंधी और पानी के संबंध और सीवरेज समस्या आई थी, और एक समस्या थी कि एक सुंदरपुर में थोड़ा सफाई के लिए थी, तो निर्देशित कर लिया गया है। और GM जलकल भी यहाँ बैठे हैं पानी के लिए, भी वो भी सर्वे करा लेंगे। अगर कोई हो तो उसको कार्य योजना बना के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो समस्या आई है वो कोई ब्लॉकिंग की नहीं आई है, वो एक नई कार्य योजना में कुछ नए क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की डिमांड है, तो उसको चेक करा के उसका कार्य योजना बना लेंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर श्यामधर तिवारी राजकीय सेवा छोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी कार्यालय और कामकाज के लिए प्रयासरत हैं। वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में डॉक्टर श्यामधर तिवारी डिप्टी कमिश्नर राजकीय सेवा छोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी कार्यालय के लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर तिवारी ने बुधवार को पराड़कर भवन में प्रेसवार्ता कर कहा कि भ्रष्टाचार एक संगठित अपराध के रूप में हमारे जीवन, समाज और लोक सेवा में व्याप्त हो गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। विभागीय स्तर के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। हमें सत्य और स्वाधीनता का नया समर लड़ना और जीतना होगा। 2047 में भारतीय समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पाने के लिए हमको अभी से ईमानदारी से काम करना होगा। लोक कल्याण के लिए ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। यह देखकर दुख और चिंता होता है कि यत्र तत्र ईमानदारी का उपहास और भ्रष्टाचारी का गुणगान किया जाता है। कभी कभी सार्वजनिक औपचारिक मंचों पर सत्य की बात कही सुनी जाती है, परंतु यह अपर्याप्त और अप्रभावी है। करोड़ों नागरिकों को समृद्धशाली बनाने के लिए इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पर निर्मम प्रहार करना होगा। सत्य की बात और काम को भीतर और बाहर सभी कार्यों और मंचों पर स्थापित करने के लिए नए और परिणाम देने वाले उपाय किए जाने की आवश्यकता है। पिछले 1 वर्षों में लगभग 15 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन और विभागाध्यक्ष को भेजा है इन सबके भ्रष्टाचार षड्यंत्रों पर दुरुपयोग के बारे में। अभी तक उनके विरुद्ध किसी भी कार्यवाही जांच की सूचना मुझे नहीं है। हमें मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार पर सरकार एक नई योजना लाए, प्रोएक्टिव एक्शन आरंभ करे और जो तंत्र अभी तक हैं भ्रष्टाचार के निवारण के, उनसे आगे की व्यवस्था करे। जैसे प्रत्येक जनपद में भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाया जाए, लोक अदालतों की तर्ज पर
जहाँ जनता का किसी कार्यालय में काम न हो तो तुरंत ही जनता एक घंटे के भीतर वहाँ पहुँच सके, और या तो वहाँ उसको कानूनी विधिक सहायता दी जाएगी अथवा ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों को वहाँ बुलाया जाएगा और एक सप्ताह से एक माह में उनका निराकरण किया जाए, और जो लोक सेवक भ्रष्टाचार करें उनका पहला भ्रष्टाचार अंतिम भ्रष्टाचार होना चाहिए। मंगलवार को काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ का वार्षिक चुनाव पहली बार हुआ। काशी किराना व्यापार मंडल गोला दीनानाथ का वार्षिक चुनाव मंगलवार को पहली बार बरवा बाबा मंदिर में मतदान के जरिए संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर दुर्गा प्रसाद गुप्त, महामंत्री पद पर संजय केसरी उर्फ लल्ली केसरी और कोषाध्यक्ष पद पर कैलाश केसरी निर्वाचित घोषित हुए। व्यापार मंडल के 250 मतदाता हैं। चुनाव अधिकारी महेंद्र कुमार केसरी ने बताया कि तीन पदों पर कुल 6 प्रत्याशी थे। इनमें अध्यक्ष पद पर दुर्गा प्रसाद गुप्त और अनिल केसरी, महामंत्री पद पर संजय केसरी व विनय केसरी और कोषाध्यक्ष पद पर नंदलाल केसरी और कैलाश केसरी चुनाव मैदान में थे। चुनाव में निर्वाचित दुर्गा प्रसाद गुप्त को 147 जबकि उनके प्रतिद्वंदी अनिल केसरी को 102 मत मिले। इसी तरह निर्वाचित महामंत्री संजय केसरी उर्फ लल्ली को 164 मत और उनके प्रतिद्वंदी विनय केसरी को 79 मत प्राप्त हुए, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर कैलाश केसरी 141 मत पाकर निर्वाचित हुए और उनके प्रतिद्वंदी नंदलाल केसरी को 102 मत प्राप्त हुए। मुझे गोला दीनानाथ यानी काफी किराना मार्केट के सभी सदस्यगणों ने हम पर विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये गोला दीनानाथ मार्केट की वजह से और यहाँ के व्यापारियों यहाँ के निवासियों के बदौलत हूँ। मैंने जी भर के सेवा की, मैं राजनीतिक आदमी जरूर हूँ लेकिन मैं कभी जो है राजनीतिक से लेकर के कार्यक्रम में नहीं करता। मलैया रमना में हो रहे सप्ताहव्यापी ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने दांपत्य जीवन की खुशहाली पर चर्चा किया। माँ गंगा के तट पर विश्व सुंदरी पुल के नीचे मलैया रमना में हो रही सप्ताहव्यापी ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए एक दूसरे में जिद व क्रोध को स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में तलाक हो जाने पर अदालत ने भी राजीनामा तब होता है जब कोई अपनी जिद छोड़ता है, अन्यथा अमूल्य जीवन का अमूल्य समय धन और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि किसी को भी गुरु बनाने से ज़्यादा जरूरी है कि उसकी बात मानना। उन्होंने कहा कि भगवान पर जिसका भरोसा है उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। इसके पूर्व रत्नाकर बिहार कॉलोनी में स्थित विंध्यवासिनी भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में ही हिंसा व कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। रामायण गीता व शिव पुराण में कर्म को ही प्रधानता दी गई है। भक्त सनातन धर्मी बने, सनातन के लिए भक्ति ही पर्याप्त है। एक प्रश्न के उत्तर में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि काशी सहित संसार के सभी तीर्थों में मांस और मदिरा की बिक्री पाप है, यह बंद होना चाहिए। अर्थोपार्जन के लिए अनेक मार्ग हैं, उसके लिए अपने सत्कर्मों का क्षय तीर्थ क्षेत्रों में उचित नहीं है। अगर हम जड़ भरत का संवाद श्रवण करते हैं तो जड़ भरत के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य से चार स्थान पर पाप होता है। जब वो चलता है तो उसके काम के नीचे जीव मर जाता है, झाड़ू लगाता है तो बुआरी में जीव मर जाता है, नहाता है या कपड़े धोता है तो उसमें छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि प्रकट करता है तो उसमें पतंगे जलकर खत्म हो जाते हैं। अर्थात जीव से पहले से ही तो इतनी हिंसा हो जाती है। तो जड़ भरत का श्रीमद् भागवत में संवाद आता है कि ये सारी हिंसा को त्यागने के लिए ही हमारे यहाँ वेद और पुराण और शास्त्र है और भगवान की भक्ति है। कट्टरता की बात है तो हमारे यहाँ कट्टरता रखें, पर शास्त्र सनातन धर्म ये कहता है कि कभी किसी धर्म का अपमान ना हो आपकी कट्टरता के। आप अगर राम को मान रहे हैं तो शिव का अपमान ना करें, अगर आप शिव को मान रहे हैं तो राम या कृष्ण का अपमान ना करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।